स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली न्यूज बुलेटिन में। हमारी खबरों के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक बक्सर। लगन साड़ी एवं पंकज टेलर्स अम्बेसडर होटल के सामने दुल्हा दुल्हन के लिए विशेष परिधान उपलब्ध। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। राजेंद्र दास जी ने कहा, महान संत थे बक्सर वाले भक्तमाली जी महाराज। हत्या मामले में 7 लोगों को आजीवन कारावास, 45,000 का जुर्माना। खाद्य सचिव ने किया जिले का निरीक्षण, धान खरीद पर दिया जोर। स्टेशन के समीप सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत, ट्रक जब्त। शराब तस्करी करने वाले 2 को 5 वर्ष की सजा, 1,00,000 का जुर्माना। थर्मल के गेट पर मजदूरों का प्रदर्शन, घायल को उपचार के लिए सहायता की मांग। अयोध्या से चलकर बक्सर पहुंचा अक्षत कलश, 15 को होगी बैठक। एसपी ने किया रात में थानों का औचक निरीक्षण, विभाग में हलचल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी, संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। बक्सर के नया बाजार में सीताराम विवाह महोत्सव चल रहा है। पूज्य राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर यहाँ कथा कह रहे हैं। उन्होंने तीसरे दिन भक्त प्रहलाद की चर्चा की, साथ ही कहा, बक्सर वाले मामा जी अद्भुत संत थे। ठाकुर जी की नाम निष्ठा का, ठाकुर जी की रूप निष्ठा का, स्वरूप निष्ठा का, ठाकुर जी की लीला निष्ठा का, ठाकुर जी की धाम निष्ठा का और संत वैष्णव गुरुजनों में निष्ठा का एक जगह यदि कहीं दर्शन करना हो तो वह पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज। बुलेटिन की दूसरी प्रमुख सुर्खी है, भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में 7 लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते दिन यह फैसला न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनाया। 17 मार्च 2014 को ब्रह्मपुर के कांट में बलराम सिंह की हत्या कर दी गई थी, जब वे अपने दरवाजे पर बेटे के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। संभवतः होली का ही दिन था। संपत्ति विवाद से जुड़े इस मामले में देवरत नाम का उनका पुत्र घायल हुआ था, उसी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, खाद्य सचिव एन श्रवण कुमार ने बीते दिन जिला मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने गोदामों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। डीएम अंशुल अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने धान खरीद की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन के समीप बीते दिन बुधवार की शाम 7:30 बजे के लगभग ट्रक की चपेट में आ जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। भरत मल्लाह नाम के व्यक्ति कोटवा नारायणपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। देर शाम में स्टेशन के समीप गुजर रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने उस ट्रक को जब्त कर लिया है। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में बीते दिन एक्साइज डिपार्टमेंट विभाग के न्यायाधीश ने 2 लोगों को 5-5 वर्ष की सजा दी। डब्लू सिंह एवं सरल बिंद दोनों गायघाट ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को 6 अप्रैल 2019 को 35 लीटर शराब के साथ ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने इनके विरुद्ध 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, चौसा में बन रहे थर्मल पावर के गेट पर बीते दिन मजदूरों ने प्रदर्शन किया, इस वजह से काम ठप रहा। पूछने पर पता चला 20 दिन पहले कृष्ण कुमार गुप्ता ग्राम धनाड़ी थाना कुदरा जिला रोहतास नाम का मजदूर घायल हो गया था। उसे पैर में चोट आई थी, लेकिन LNT के तहत काम करने वाली कंपनी ने उसे उचित मुआवजा नहीं दिया, इसी के लिए यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, अयोध्या से चलकर अक्षत कलश बक्सर पहुंच गया है। आप यहां देख रहे हैं, बसाव मठ पर इसका विधिवत स्वागत किया गया। बिहिप के अध्यक्ष सिद्धनाथ मिश्र ने इसका गोलंबर के समीप बक्सर आने पर स्वागत किया। कलश को लेने के लिए पटना डॉक्टर राजेश मिश्रा राघव जी गए थे और वहां से यह बक्सर लाया गया।
15 तारीख को अक्षत अर्थात निमंत्रण, यह उसी का कलश है जिसको लेकर 15 तारीख को बसाव मठ पर बैठक होगी। बुलेटिन की आठवीं सुर्खी है, एसपी मनीष कुमार ने बीते दिन औद्योगिक और डुमराव थाने का निरीक्षण किया, दिन में नहीं रात के 12 बजे। अचानक पुलिस कप्तान के पहुंचने से पुलिस वालों की क्या स्थिति हुई होगी आप समझ सकते हैं। ड्यूटी में ढील न हो इसी के लिए कप्तान रात में भ्रमण कर रहे हैं। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक कालम प्रस्तुत करता है जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, आप देख रहे हैं बक्सर खबर, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।